Audio Jungle. रेवाड़ी पुलिस के चार डीएसपी 200 जवानों के साथ शहर की सुनसान सड़कों पर निकले और तलाशी अभियान शुरू किया। पुलिस ने उन सुनसान इलाकों में जाकर तलाशी ली और लोगों से पूछताछ की जो संदिग्ध हैं। सेक्टर 5 झज्जर चौक, नाईवाली चौक, शहर के अलग मोहल्ले, बाईपास समेत कई स्थान पर पुलिस पहुंची और वाहनों की तलाशी ले लोगों से पूछताछ की। डीएसपी हेडक्वार्टर गजेंद्र कुमार ने कहा कि पुलिस आज सुनसान इलाकों में जाकर तलाशी अभियान चला रही है ताकि अपराधों में अंकुश लग सके। रेवाड़ी हरियाणा से प्रेम भारद्वाज की रिपोर्ट। कहाँ कहाँ जाएंगे और कितनी फोर्स लगी है इस पे? हमने यहाँ पर कम से 200 आदमी इसमें कॉम्बिंग ऑपरेशन में लगे हुए हैं और इसका मेन मकसद है कि अपराधों पे रोकथाम लगाना और जो सस्पेक्ट जो आदमी है उनको चेक करना। तो किस तरह से पुलिस कहाँ कहाँ जा रही है? कॉम्बिंग जो एरिया है, जो सुनसान इलाके हैं, खासकर जो सस्पेक्टेड एरिया जैसे ये एरिया है, वहाँ पर जो कई बार आदमी अपराधी किस्म के आदमी छुप जाते हैं, वहाँ हम कॉम्बिंग करेंगे और उनको पूछताछ करेंगे, तलाशी लेंगे और अगर सस्पेक्ट पाए तो उन्हें उचित कार्रवाई करेंगे। क्या सभी डीएसपी इसमें लगे हुए हैं अलग अलग क्षेत्र में? कितने जी इसमें हमारे 3 डीएसपी लग रहे हैं और 200 की फोर्स है जो विभिन्न जो सेंसिटिव जो ठिकाने हैं वहाँ पर जाके छापेमारी कर रहे हैं और कॉम्बिंग कर रहे हैं। कब तक चलेगा सर ये? 9 बजे तक चलेगा।